ज्ञान बुद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान गणेश का जन्मोत्सव भाद्रपद मास की चतुर्थी में मनाया जाता है। शनिवार को विधिवत श्रद्धालुओं द्वारा भगवान की घर घर में पूजा अर्चना कर विघ्नहर्ता श्री गणेश विराजमान हुए। गणेश चतुर्थी पर्व पर गणपति बप्पा मोरिया की गूंज के साथ गजानन की मूर्तियां भी स्थापित की गई। कोरोना वायरस के कारण इस साल श्री गणेश चतुर्थी पर सामूहिक आयोजन नहीं होंगे, ऐसे में उत्साहपूर्वक लाते थे, लेकिन इस वर्ष भारत में कोरोना के प्रकोप के चलते स्थिति जिले भर में नजर नहीं आ रही है। शनिवार को होने वाले गणेश चतुर्थी के अवसर पर शुक्रवार के दिन बाजार में सुबह से ही मूर्ति दुकान पर जाकर मूर्ति लेने लगे लोग। अपने घरों से मौजूद पंडालों के अनुसार मूर्तियाँ लेते दिखाई दिए। बाजारों की बढ़ती भीड़ और लगातार बढ़ती बारिश की परेशानी हो रही थी, लेकिन इंदौर की जनता ने अपनी आस्था के बीच बारिश की वजह से रुकावट नहीं आने दी। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन और दीपक सिंह की रिपोर्ट। नजर दिखाई दे रहा है आज भगवान गणेश अपने सभी घरों में विराजमान होने वाले हैं, पर जो बारिश का कहर है वो कहीं ना कहीं इस त्यौहार पर उसकी रौनक को कम करने की ओर दिखाई दे सकता है। हम जिस प्रकार से हम अभी मौजूद हैं इंदौर के आर्थिक मार्केट कहने जाने आर्थिक बाजार कहने जाने वाले राजवाड़ा पर, हम जिस प्रकार से सीधी तस्वीरें हम आपको बता सकते हैं, सीधी तस्वीरों में हम आपको दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से बारिश का कहर और जिस प्रकार से बारिश का कहर उस त्यौहार की ओर नज़र दिखाई दे सकता है। कोरोना काल भी है और संक्रमण का असर भी है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस बारिश से यह त्यौहार की रौनक और कम हो सकती है। कैमरा पर्सन दीपक सिंह के साथ मंथन सेन, SW24 इंदौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।